हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में सर हम देखेंगे कि सुपर टेपर का स्विच कैसे रिप्लेस करना है वॉल सुपर टेपर। वॉल का सुपर टेपर लेजेंड, क्लासिक, कलर प्रो, मैजिक क्लिप, बाल्डिंग, जितने भी मॉडल है सबका एक सिमिलर वे है। सबसे पहले हमको ये इंश्योर करना है कि आपका क्लिपर प्लग इन नहीं है। ये कवर मैंने ओपन करके रखा, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। और हमको ऐसा एक फोर पुल चाहिए, छोटा सा हो, बारीक। ये जो दो बोल्ट है इसे ओपन कर लेंगे। सबको संभाल कर रखना है। और ये जो पार्ट है ये एक टेंशन स्प्रिंग है, कॉपर मटेरियल की बनी हुई है। अगर आप इसे यूज करोगे तो टूट जाएगी। हमें इसे कभी एक पतला डिसमिस लेकर, कभी पतली चीज़ लेकर इसे उसको यहाँ पर धीरे धीरे अलग अलग पोजीशन से अंदर करना है। ये आपकी स्विच आ गई बाहर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अंदर कुछ हेयर है। और जब स्विच ऑन ऑफ होती है इसका कुछ कार्बन मटेरियल जो होता है वो बॉडी में और सामने जो उसके कॉन्टेक्ट है मशीन के उसके अंदर रह जाता है यहाँ पर। तो हमें उसे क्लीन करना है। तो उसे क्लीन करने के लिए हम इसे कोई भी कपड़ा लेंगे कॉटन का, उससे एक डिसमिस लगा कर आपके जो कॉन्टेक्ट है उसे ऐसे क्लीन करना है कि जिससे उसके ऊपर कुछ भी रस्ट जो लगा हुआ है मेटल का वो निकल जाए। अगर हमने क्लीन नहीं किया तो आप जो नई स्विच नाखोगे वो भी बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। उसका जो कार्बन है वो स्पार्क होकर उससे क्या वहाँ पर स्पार्क होगा, और स्पार्क होने से आपका मेटल बर्न होगा और फिर स्विच जल्दी ख़राब हो जाएगी। आपको नीचे का जो मटेरियल है उसे भी ऐसे क्लीन कर देना है जिससे क्या जो आपका जो मटेरियल है स्पार्क होकर जो रस्ट नीचे आया है वो भी सारा का सारा निकल जाए। जब आप इसे प्रॉपरली क्लीनिंग कर लोगे तो अब हम इसके अंदर स्विच बदल सकते हैं। ये हमारी सुपर टेपर की स्विच है, न्यू स्विच, ठीक है। इसके अंदर ये जो होल है नीचे प्लास्टिक का और ये मेटल का, दोनों को मैच करेंगे और इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे। इसे जैसे हम प्लेस करेंगे तो ये ऐसा नहीं कि आप प्रेस करोगे सीधी अंदर चली जाएगी। हमें एक डिसमिस के हेल्प से यहाँ जो इसका जो होल है उसे मेंटेन कर धीरे धीरे इसको इसे यूं करना है कि नई स्विच है तो इतना इजीली नहीं बैठेगा, ये थोड़ा क्या टाइट रहता है। पुरानी स्विच जो होती है वो ऐसे मूवमेंट होकर वो लूज़ हो जाती है, लेकिन ये नई स्विच इसे थोड़ा टाइट बैठेगी। तो आपको इसे ऐसे प्रेस करना है धीरे धीरे। और जो रेसिड्यू हेयर है वो हम इसे क्लीन कर देंगे यहाँ से।
मेरी जिसका कॉन्टेक्ट है Thank you.